जी सेट 7A जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी, जी सेट 7A अपने लक्ष्य के निकट पहुंचा। तो इसकी जो अपडेट आई है वो है कि हाल ही में इसरो ने जी सेट 7A को जो लॉन्च किया था, और ये जो इसरो का जो लास्ट मिशन था 2018 का, और वो सक्सेसफुली हो चुका है लॉन्च। तो इसकी इन्फॉर्मेशन रेडियो चैम्प लाइव क्लासेस ने आपको कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवाई, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसके फंक्शन वगैरह सब कुछ, उससे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे अपन ने अलग से उसको वीडियो बना के अपलोड किया है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी इसमें बात करेंगे जी सेट अपने लक्ष्य के निकट पहुंचा। तो हाल ही में इसरो ने जी सेट 7A को अंतिम स्थिति में स्थापित करने के लिए चौथी का कलाबाजी पूरी कर ली है। अभी ये उपग्रह पृथ्वी से 35,800 से 36,092 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी अपनी कक्षा के बेहद करीब है। अंतरिक्ष में उपग्रह को दिशा देने के लिए इसरो प्रोपल्शन सिस्टम अथवा थ्रस्टर का उपयोग करता है। तो जो जी सेट है वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो इसकी अपडेट ये है लेटेस्ट, ठीक है। और ये पृथ्वी से 35,800 से 36,092 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो गया है। आगे कोल इंडिया द्वारा किया जा रहा है स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक डंपर का ट्रायल। कोल इंडिया पहली बार स्वदेशी इलेक्ट्रिकल डंपर का ट्रायल कर रहा है। डंपर खनन कार्य के लिए बेहद आवश्यक है। बिजली से चलने वाला इस डंपर का वजन 205 टन है। तो कौन सी कंपनी है जो अब स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक डंपर का ट्रायल कर रही है? तो कौन ये है? कोल इंडिया। तो आपके एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसका निर्माण सरकारी कंपनी BEML ने किया है। निर्माण किसने किया है इसका? BEML ने किया है। और कोल इंडिया इस डंपर का ट्रायल उत्तरी कोयला क्षेत्र की अमोलरी कोयला खदान में कर रहा है। कौन सी? अमलोरी कोयला खदान से करा है। ये स्वदेशी डंपर उत्तरी कोयला क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा स्वदेशी डंपर है। तो ये किस तरह से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि सबसे बड़ा स्वदेशी डंपर कौन सा, इलेक्ट्रिक डंपर कौन सा है? तो वो है, इसका जो नाम है वो है डंपर, स्वदेशी डंपर उत्तरी कोयला क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा स्वदेशी डंपर है, और इसको अल्मोरी कोयला खदान में, सो इसको जो कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, ये है अल्मोरी कोयला खदान में इसका उपयोग किया जा रहा है। इस स्वदेशी डंपर से आपूर्तिकर्ताओं के बीच स्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे लागत में कमी आएगी। मतलब कि जो है अब कोयला खदान जो है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसने जो है ये जो डंपर यूज़ किया है, इस वजह से क्या होगा कि जो अपने आपूर्ति जो और भी जो कंपनीज हैं वो जो प्रोवाइड करवाती हैं ये कोयला वगैरह, उनके लिए क्या है अब इन सब में क्या बढ़ जाएगी, एक कंपटीशन हो जाएगा, और इस वजह से है जो लागत में कमी आ सकती है, और क्या होगा इससे इसकी प्राइस भी कम हो सकती है, ठीक है। आगे है, इस डंपर के सफल ट्रायल के बाद BEML कोल इंडिया के अधिक क्षमता वाले डंपर के टेंडर के लिए आवेदन कर सकती है। इसमें जो अभी इसकी क्षमता है वो कम है, और बाद में जो है BEML इससे भी ज़्यादा जो क्षमता वाला डंपर है वो जो है बनाने के लिए जो कोल इंडिया से वो आवेदन कर सकती है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड इस प्रकार का एक टेंडर जारी कर चुकी है, जबकि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड 10 डंपर के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। मतलब जो दूसरी कंपनीज हैं वो भी जो ऐसे डंपर बनाने के लिए जो अपने टेंडर जारी कर रही है। भारतीय डंपर बाजार में रूस के बेलॉज, टाटा हिताची और कैटपिलर का दबदबा है, परंतु इन डंपर की लागत 15 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो जो अभी अपने जो इंडिया की जो कंपनी है उसने बनाया है, BEML ने बनाया है, तो अब जो है अब बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरी कंपनी मतलब बाहर से इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी, और यहीं पर जो आप इनको ये डंपर की जो फैसिलिटी इन कंपनीज को मिलेगी, ठीक है। यदि BEML को ई डंपर मार्केट में आप प्रवेश करने का मौका मिलता है तो ये बाजार में बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकता है, इससे BEML के लिए अवसर बढ़ जाएगा। तो BEML फर्स्ट कंपनी है जिसने ई इलेक्ट्रॉनिक डंपर बनाया है, और ये जो है बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकती है अगर इसको चांस दिया जाए तो। इससे BEML के लिए अवसर बढ़ जाएंगे, इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, और कोल इंडिया को कम दाम पर डंपर मिल सकते हैं। तो क्या होगा कि है ना, जो अपने इंडिया में जो कंपनीज हैं उनको जो डंपर मिलने के लिए कम दाम में भी मिल जाएंगे, और उनको जो मेक इन इंडिया है कि इंडिया में ही जो चीज़ें बननी चाहिए, अपनी जो अपन को इम्पोर्ट कम करना चाहिए, तो वो चीज़ एक हो जाएगी कि इंडिया को जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है वो इंडिया की कंपनी ही फुलफिल करे, ठीक है। आगे, अंडमान के द्वीपों का नाम नेताजी बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो अभी किसके नाम पर रखा जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने अंडमान के रोस नील हैवलॉक द्वीप के नाम को बदलने का निर्णय लिया है।
तो हाल ही में कौन से द्वीप का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है? रोस, नील और हैवलॉक। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और इनका नाम क्या क्या रखा जाएगा? रोस का रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील का रखा जाएगा शहीद द्वीप, तथा हैवलॉक द्वीप का नाम रखा जाएगा स्वराज द्वीप। तो इनके जो नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे ही अलग अलग नाम से इनको जो है इनका नाम बदला जाएगा। इस नाम परिवर्तन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर को अंडमान की यात्रा के दौरान की जा सकती है। अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी है वो अंडमान की यात्रा पे हैं, तो 30 दिसंबर को नेताजी की अंडमान यात्रा के 75 ईयर्स जो है पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पे जो है नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इन जो सबके नामों की घोषणा करेंगे। हरियाणा के झज्जर में किया जाएगा भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण 2,035 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हरियाणा सबसे जो अपने भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पे बनेगा? हरियाणा के झज्जर में। तो जो हरियाणा के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना दोस्तों, एचएसएससी के या फिर एस्टेट के, अगर कोई आप कोई एग्जाम दे रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है कि इसका कैंसर संस्थान वाला जो ये उद्घाटन का प्रोग्राम अभी बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जो कि एचएसएससी जो एग्जाम दे रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 710 बिस्तर की व्यवस्था, जिनमें 200 बिस्तर अनुसंधान प्रोटोकॉल के तहत कैंसर के मरीजों के उपचार किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसमें यही होने वाला है कि और इसमें इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? इस संस्थान में कैंसर के शोध और परीक्षण के लिए व्यवस्था उपलब्ध है और इससे संबंधित आधुनिक उपकरण भी मौजूद करवाए जाएंगे, और इसके जो कैंसर के नियंत्रण के लिए कार्य करेगा ये, और इसकी रोकथाम के लिए भी निदान व उपचार के लिए कार्य किए करेगा। आगे स्कूल में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं, UIDAI जो है अपना हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्कूल एडमिशन के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं बना सकते। UIDAI के अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग नियम के प्रावधान के अनुकूल नहीं है, और ऐसा करना हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार, और UIDAI ने भी क्लियर कर दिया कि एडमिशन जो अभी स्कूलों में लिए जा रहे थे वो आधार कार्ड भी उसमें कंपलसरी किया गया था, तो अब वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे जो अभिभावक हैं उनको तो राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चों के कईयों के जो है आधार कार्ड नहीं होते हैं, इस वजह से उनके एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। वाजपेयी के नाम पर स्कूल की शुरुआत किसने की है और कहाँ? तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन था, अभी जयंती थी, ये उनकी उस दिन उनके जो महाराष्ट्र में एक इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड से के द्वारा जो है एक स्कूल की शुरुआत की गई। इसकी स्थापना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा मानक हासिल करने के लक्ष्य से की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की। तो इस स्कूल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल, और वो शुरुआत भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की 94वीं जो है जयंती पर इसकी जो है इसका जो उद्घाटन किया गया। ये स्कूल महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड MIEB से संबंध की अप्रूव्ड होगा, वहीं के महाराष्ट्र बोर्ड से अप्रूव्ड होगा, और इसकी स्थापना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा मानक हासिल करने के लिए मतलब ये एजुकेशन अच्छी एजुकेशन देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो किसने इसका उद्घाटन किया है? वो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने, और कहाँ? महाराष्ट्र में किया है, और इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आगे है, अब जो अपने भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के जो नए कोच चुने गए हैं वो है कटप्पा, मतलब कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है इनको, और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता CA कटप्पा को भारत का नया पुरुष मुक्केबाज कोच नियुक्त किया गया है। वे मौजूद राष्ट्रीय शिविर में ये जिम्मेदारी संभालेंगे, और विजेंद्र सिंह, एम सुरंजय सिंह और शिव थापा सहित भारत के शीर्ष मुक्केबाजों को निखारने का श्रेय 39 वर्षीय कटप्पा को जाता है। वह 10 दिसंबर से शुरू हुए शिविर के अनुभवी कोच SR सिंह की जगह लेंगे, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो जो अभी तक SR सिंह जो थे वो यहाँ उसके कोच थे, और अब जो है कटप्पा जो है वहाँ के नए जो कोच बनाए जाएंगे। आगे है, लक्ष्मीकांत सांताराम कुडालकर उषा टिमोती मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से सम्मानित। जो अभी हाल ही में जो मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे अपन। दिवंगत संगीतकार लक्ष्मीकांत सांताराम कुडालकर और पार्श्व गायिका उषा
टिमोथी को सोमवार को मोहम्मद रफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किस किस को दिया गया है? लक्ष्मीकांत शांता राम कुड़ालकर और उषा टिमोथी को जो है मोहम्मद रफी अवार्ड दिया गया है। आगे जापान का बड़ा फैसला, जो आईडब्ल्यूसी से अलग होने का किस देश ने जो अभी ऐलान किया है, वो है जापान। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएगा कि आईडब्ल्यूसी से हाल ही में किस देश ने अपनी अलग होने का जो है ऐलान किया है, तो वो जापान जो देश है उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया है। वो अगले साल से व्हील पकड़ने का व्यवसाय काम शुरू करेगा अलग से, ठीक है। वह इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से अलग हो जाएगा और अपना खुद का अलग से व्यवसाय काम शुरू करेगा। इस कदम से जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो सकती है। इस घोषणा की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। जापान इस साल की शुरुआत में व्यवसायिक व्हेलिंग फिर शुरू करने की अनुमति देने के लिए IWC को मना नहीं पाया था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया, ठीक है। टॉप 10 पुलिस थानों में जो है अभी जो है कि एक लिस्ट जारी हुई है टॉप पुलिस थाने की इंडिया में, तो वो किसने करी है? वो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करी है, जिसमें टॉप 3 थानों को सम्मानित किया गया है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये है अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये टॉप 10 पुलिस थानों की जो है लिस्ट जारी की है, जिसमें से टॉप 3 को उन्होंने सम्मानित किया और वहाँ के जो DGP और IGP हैं उनको सालाना कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे पीवी भारती कॉर्पोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी नियुक्त। तो जो अपने कॉर्पोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जो नए निदेशक नियुक्त हुए हैं उसके बारे में अपन बता देते हैं आपको। जो नए MD चुने गए हैं, पीवी भारती कॉर्पोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक यानी CEO और MD बनाया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। भारती अभी केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। वह 1 फरवरी 2019 को यहाँ उस अपने कार्यभार संभालेंगी। उनकी नियुक्ति 31 मार्च 2020 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के लिए की गई है। वीरूपक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक के जो नए कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो है वीरूपक्ष मिश्रा, तो ये आपको याद रखने। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं बालकृष्ण अलसे S, ठीक है। मिश्रा अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक और बालकृष्ण कॉरपोरेशन बैंक में महाप्रबंधक हैं। वे रामचंद्रन को इलाहाबाद बैंक में कार्यकारी निदेशक, रामचंद्रन को इलाहाबाद बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी वे कॉरपोरेशन बैंक में महाप्रबंधक हैं। रामचंद्रन अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 जून 2021 तक इस पद पर रहेंगे। तो ये अलग अलग बैंक के जो भी निदेशक चुने गए हैं अलग कार्यकारी निदेशक, उनकी आप याद रखें उनके नाम। इसी तरह आपके लिए रेडियो चैम्प लाइव क्लासेस जो आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स सेशन लाता रहेगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट्स के जरिए